हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीडेंट लाइफ लाइन लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 रुपये 40 पैसे की तेजी देखने को मिली है, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर पीछे के एक हफ्ते में से स्टॉक में अराउंड 1% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है और एक महीने में से स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें इस स्टॉक में तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर पीछे के 3 महीने में से स्टॉक में 22% से भी ऊपर के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अराउंड 143 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 190 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो अराउंड 151 रुपए के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 170 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है, तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिटर्न दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।